तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सी प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम की, जहाँ पे हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में इसके एल्गोरिथम को देखा। यहाँ पे हमें क्या होगा, एक हमें रेंज दी होगी, रेंज हमें गिवन होगी ए कॉमा बी, यानी कि हमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट और गिवन एंडिंग पॉइंट दिया रहेगा या फिर यूजर से इंटर कराएंगे, और उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है कि हमें फाइंड करना है कि उसके बीच में कितने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं और कौन कौन से आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं, उनको हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सी प्रोग्राम हमें लिखना है, तो चलिए सीधे सीधे सी प्रोग्राम लिखते हैं, क्योंकि इसके लॉजिक को और एल्गोरिथम को इसके पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि ये आपको समझ में आ जाए। एक्चुअली मैं ये कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसके लिए दो वीडियो में अलग अलग कॉन्सेप्ट को अलग और प्रोग्राम को अलग एक्सप्लेन किया हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और काफ़ी अच्छा जो इसका प्रोग्राम है, इसमें काफ़ी अच्छा लॉजिक है। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर ले जाते हैं, इस टाइप के प्रोग्राम बनाना आपको आता है, तो आप मतलब आप कह सकते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग की ठीक ठाक नॉलेज है, यानी कि आप आसानी से कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो चलिए सीधे सीधे प्रोग्राम पे आते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे आपको हर एक लाइन का मतलब भी समझाता जाऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैंज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये फाइल हमने प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन को यूज करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो इसको रख सकते हैं, ना चाहें तो ना रखें। यहाँ पे एक फाइल की और ज़रूरत पड़ेगी, हैज इंक्लूड मैथ डॉट एच। इस मैथ डॉट एच की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। मैथ के जो हमें फंक्शंस हैं उनको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए हमने मैथ डॉट एच फंक्शन का यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमने जैसे कि एल्गोरिथम बताई थी, तो पहले एल्गोरिथम को यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर्स, यहाँ पे अगर हम चाहें तो बॉयड इंट मैन और इंट मैन जहाँ चाहें उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं इंट मैन फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे इंट लिया है तो हमें रिटर्न में कुछ करवाना, रिटर्न जीरो करवाना पड़ेगा, तो उसको हम रिटर्न करवा देंगे। अब यहाँ पे हम इंटीजर टाइप से रेंज को डिफाइन करेंगे। अभी रेंज को ए और बी भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्टार्ट एंड एंड। तो हमारी रेंज जो है वो स्टार्ट एंड एंड दो वेरिएबल के थ्रू हमें रेंज फाइंड हो जाएगी। आप चाहें तो इसको ए और बी भी कर सकते हैं। तो ये दो वेरिएबल हैं जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज को बताएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मैसेज प्रिंट एफ इंटर द रेंज, और आपको इसका सोर्स कोड मेरे एप्लीकेशन के लेटेस्ट अपडेट में भी मिल जाएगा। सी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसके अपडेट में मैं इसका लिंक इसको इंक्लूड कर दूंगा। प्लस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, जहां से आप फुल सोर्स कोड को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये कोड देखने में या समझने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी, जहां पे इसका फुल सोर्स कोड आपको फाइंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रिंट एफ इंटर स्टार्टिंग लिमिट रेंज, स्टार्टिंग रेंज और स्टार्टिंग लिमिट आप जो भी देना चाहें। उसके बाद यहाँ पे हम स्कैन एफ कराएंगे, यानी कि हम यूजर से इंटर कराएंगे क्या परसेंटेज डी और यहाँ पे एंड परसेंट स्टार्ट, यानी कि पहली रेंज यहाँ पे हमारी इंटर हो जाएगी। पहली रेंज इंटर होने के बाद हम क्या करेंगे, सेम प्रिंट एफ इंटर लास्ट रेंज या फिर एंड रेंज, तो हम यहाँ कहेंगे लास्ट रेंज या फिर लास्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हम स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड परसेंट एंड, इन सब के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि शुरुआत के वीडियो में मैंने बता दिया है कि स्कैन एफ का क्या काम होता है, इसके अंदर परसेंटेज का क्या काम होता है, एंड परसेंट और इन सब वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है। अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता है तो आप शुरुआत के वीडियोस को जरूर देख लीजिए, ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए कि ये सारे फंक्शन कैसे वर्क कर रहे हैं। अब हमारा मेन लॉजिक यहाँ से स्टार्ट होता है, हमने रेंज को इंटर करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, यहाँ पे हम रिजल्ट को प्रिंट कराने वाले हैं, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बिटवीन गिवन रेंज आर, गिवन यहाँ पे रेंज आर और यहाँ पे
जो नंबर्स हैं वो एक फोर लूप के थ्रू हम इसको फाइंड करेंगे। फोर इंटीजर आई इक्वस टू स्टार्ट, देखिए ये स्टार्ट से शुरू होगा। स्टार्ट से शुरू क्यों होगा, इसको मैं आपको एल्गोरिथम में आपको समझा चुका हूँ। स्टार्ट आई इज लेस देन इक्वस टू एंड, क्यों, जहाँ तक इसका ख़त्म होगा एंड पे ख़त्म होगा। आई स्टार्ट से शुरू होगा, एंड पे ख़त्म होगा, हर बार आई प्लस प्लस एक बार बढ़ेगा। और इस लूप के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़, यानी कि यहाँ पे हमारा मेन लॉजिक क्या है, इफ़ इज एंगस्ट्रॉन्ग इज आर्मस्ट्रॉन्ग इज आर्मस्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे वेरिएबल फाइंड करेंगे, किसको चेक कर रहे हैं, आई को। अगर ये ट्रू होता है यानी कि आर्मस्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे आप एक बात देखिए कि ये इज आर्मस्ट्रॉन्ग हम अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई फंक्शन तो है नहीं लाइब्रेरी का। तो अगर हमें कोई फंक्शन यूज करना होता है जो लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है, तो उसको हमें डिफाइन करना होता है। तो हम यहाँ पे हम ग्लोबली इसको डिफाइन करते हैं। और ये किस टाइप का है, ये देखिए, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स, तो ये बूलियन टाइप का है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे बूल, बूलियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको लिखते हैं बूल, और यहाँ पे इज आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये किस टाइप का आर्गूमेंट लेता है, ये इंटीजर टाइप का आर्गूमेंट यहाँ पे लेगा, क्यों, आई जो है हमारा इंटीजर है। तो इसका सोर्स कोड आपको यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इसका सोर्स कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें मिल जाएगा। तो उसके लिए आप प्रोग्राम को लिखने की कोशिश ना करें, उसको बस समझने की कोशिश करें, बाकी आपको सोर्स कोड आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इज आर्मस्ट्रॉन्ग ये लॉजिक है, लेकिन हम इस लॉजिक के बारे में भी बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे अगर हम ये रिटर्न कराता है ट्रू, यानी कि ट्रू कब रिटर्न कराएगा, जब आर्मस्ट्रॉन्ग होगा। और अगर ये ट्रू रिटर्न कराता है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश टी स्लैश टी इसलिए ताकि स्पेस आ जाए अगली वैल्यू में आई, मतलब उस आई को हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, उस आई को प्रिंट करा देंगे। और नेक्स्ट क्या करेंगे, फॉर लूप बंद कर देंगे। और यहाँ पे हम ये चूंकि हमने इंट में लिया है, तो यहाँ पे हमें रिटर्न जीरो कराना है, तो यहाँ पे रिटर्न जीरो, और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो देखिए अभी कंप्लीट कहने का मतलब यहाँ पे हमारा जो मेन जो फंक्शन था वो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हमने इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर यूज किया है यहाँ पे, इसको डिक्लेयर किया है, लेकिन इसकी डेफिनेशन नहीं बताई है, यानी कि ये क्या करेगा, इसका लॉजिक अभी तक हमने इसको सिस्टम को नहीं बताया, चूँकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फंक्शन यूजर डिफाइंड से क्या मतलब है, तो फंक्शंस वाले वीडियोस को आप एक बार और देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन और सिस्टम डिफाइंड फंक्शन में क्या अंतर है, और इनको कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए ये फंक्शन हमने बनाया है, इज आर्मस्ट्रॉन्ग फंक्शन हमने बनाया है, तो हमें इसके बारे में बताना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ये क्या काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे इज आर्मस्ट्रॉन्ग फंक्शन है, तो इसको यहाँ पे हमने डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन उसका लॉजिक तो बताया नहीं, तो उसका लॉजिक हमें बताना पड़ेगा कि इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग, ये हमारा एक प्रोग्राम इतना हो गया, इसके बाद इस फंक्शन को हमें जो है इस फंक्शन को हमें डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूँ, ये इसी के नीचे आप जब प्रोग्राम लिखेंगे तो इसी कोड के नीचे आपको इसको लिखना है, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप इसका सोर्स कोड फाइंड कर सकते हैं, उस सोर्स कोड को एज इट इज आपको फाइंड करके और उसको रन करा के चेक कर लीजिएगा, सेम प्रोग्राम रहेगा। तो देखिए अब हमने क्या किया, हमने रेंज में ये तो सिंपली लिख दिया कि हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, ये तो हमारा लॉजिक हुआ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड करने का, लेकिन अब सिस्टम को ये भी तो बताना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैसे फाइंड करें। तो ये इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जो था उसको हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, चूंकि ये बूल टाइप का था, तो बूल इज आर्मस्ट्रॉन्ग, चूंकि ये सिस्टम यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे तीनों जगह स्पेलिंग जो है सेम होनी चाहिए, तीनों जगह स्पेलिंग जो आपकी है वो सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो भी सेम होनी चाहिए, यानी कि ये इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट ले रहा था, तो यहाँ पे आएगा इंटीजर, और यहाँ पे इंटीजर एक्स कोई वैल्यू ले लेते हैं, आप चाहें तो आई भी ले सकते हैं एक्स भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए अब करना क्या है, इस फंक्शन को आपको डिफाइन करना है, तो यहाँ पे आपको कुछ वेरिएबल लेने हैं, इंटीजर सम, ये क्यों ले रहे हैं इसको हम बाद में डिफाइन कर बताएंगे आपको, सम इक्वल टू जीरो, यहाँ पे सम को जीरो ले लेना है, और आपको लेना है काउंट
इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे आपको लेना है टेम्प एंड आपको लेना है रिमाइंडर के लिए रैम, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, टेम्प में आपको वैल्यू डालनी है एक्स की। अब इस एक्स की वैल्यू डालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये एक्स जो वैल्यू है हम फंक्शन में कहीं और यूज करेंगे, तो अगर हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं तो उस एक्स की वैल्यू तो एक बार चली जाएगी। तो ये टेम्प फंक्शन इसीलिए लिया है, टेम्प वेरिएबल, ताकि इस एक्स की वैल्यू को टेम्प में स्टोर कर सकें और जब ज़रूरत हो इसको यूज कर सकें। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हम लगाएंगे व्हाइल लूप, तो ये टेम्प क्या करेगा, इस वैल्यू को स्टोर करके रखेगा ताकि हम टेम्प में चेंज कर देना है, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू एक्स है, और ये एक्स वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ पे जो आई वैल्यू थी, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है वही इसके अंदर आई होगी, तो आई जो वैल्यू होगी यानी कि हर बार ये चेंज होती रहेगी। अब टेम्प को हमने एक्स में स्टोर क्यों किया है, अब यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने की, कितनी डिजिट हैं, क्योंकि उतनी ही तो पावर होंगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं सिंपली व्हाइल। अगर आपको ये लॉजिक नहीं समझ में आता तो आप जाके रिवर्स नंबर वाला या फिर आप एंगस्ट्रॉम नंबर वाला प्रोग्राम समझ सकते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने ये सेम लॉजिक यूज किया है। यहाँ पे भी मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा, टेम्प इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक कि टेम्प जीरो नहीं हो जाता, यानी कि टेम्प की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू, तो जब तक एक्स यानी कि टेम्प की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। और इसमें होगा क्या, यहाँ पे हम लोग टेम्प को हर बार 10 से डिवाइड करेंगे, टेम्प डिवाइड बाई 10। उसको लॉजिक को अभी हम समझाएंगे कि क्यों ये हमने किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे काउंट को इंक्रीज करेंगे प्लस प्लस। अभी मैं पूरा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, फिर इन सारी लॉजिक को मैं यहाँ पे समझाऊंगा। अब हमें क्या करना है, हमें पता चल गया ये काउंट क्या फाइंड कर रहा था, काउंट ही तो वो नंबर है कि हमारे कितनी नंबर ऑफ डिजिट है, तो ये नंबर ऑफ डिजिट कहाँ से आएंगे हमारे पास, काउंट से। अब इसको समझते हैं, मान लीजिए एक्स की वैल्यू जो है 153 है, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू यानी कि टेम्प की वैल्यू 153। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये इसके अंदर जाएगा, टेम्प जीरो नहीं है क्योंकि टेम्प की वैल्यू 153 है, तो यहाँ पे आएगा टेम्प कशु टेम्प बाई 10, तो टेम्प बाई 10 कितना बचेगा, ये 15। जब 153 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15.3, लेकिन चूंकि ये इंटीजर टाइप है तो ये 0.3 को इग्नोर कर देगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 15। अब ये 15 जो मिल रहा है हमें, वो टेम्प की वैल्यू हो जाएगी, और काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अभी काउंट कितना था, 0, तो काउंट यहाँ काउंट को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, काउंट की वैल्यू होगी 1। अगली बार में नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, ये 15 फिर से, चूंकि अभी 0 तो हुआ नहीं है तो फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर 10 से डिवाइड होगा, तो अब की बार वैल्यू क्या आएगी, 1, और काउंट की वैल्यू फिर इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2, और ये 1 बचा फिर से ये, क्योंकि 0 तो हुआ नहीं, फिर से ये जाएगा, तो अगली बार में 0 हो जाएगा, लेकिन तब तक काउंट की वैल्यू फिर एक बार इंक्रीज करेगी, यानी कि अकाउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो यहाँ पे ये 0 पे खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारी काउंट की फाइनल वैल्यू कितनी मिलती है, 3, और हमारे नंबर ऑफ डिजिट कितने थे, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करेंगे। तो ये लूप जो है, ये इतना लूप जो है वो है नंबर ऑफ डिजिट के लिए। ये बात ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ चूंकि सोर्स कोड तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, लेकिन आपको इसका लॉजिक पता होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इस टेम्प में चूंकि टेम्प में वैल्यू अब 0 आ चुकी होगी, तो टेम्प में अगेन एक्स की वैल्यू को हम स्टोर करा रहे हैं, क्योंकि हमें फिर से यही ऑपरेशन सेम परफॉर्म करना है, यानी कि चेंज वैल्यू को चेंज करना है, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू को सेफ रखना है, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू, जैसे अगर हम इसको टेम्प को यूज नहीं करते तो एक्स की वैल्यू खत्म हो जाती, एक्स की वैल्यू 0 हो जाती, तो यहाँ पे हमें उसकी जरूरत फिर से पड़ने वाली थी। ऐसे ही आगे फिर हमें एक्स की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, तो हम एक्स में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एक्स की एक कॉपी को टेम्प में स्टोर करेंगे, यानी कि यहाँ पे टेम्प में स्टोर किया था, उसके से इतना काम निकाला, उसके बाद अपना काम हो गया, तो टेम्प की कोई वैल्यू उससे कोई मतलब नहीं, फिर से उसकी एक कॉपी को टेम्प में हमने डाला और फिर से अपना काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, व्हाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ये दोनों लूप एक साथ क्यों नहीं हो सकते, तो उसका लॉजिक भी अभी मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए यहाँ पे सेम प्रोसेस करनी है, बस यहाँ पे हमें रिमाइंडर को भी फाइंड करना है, रिमाइंडर इक्वल टू टेम्प गेट रिमाइंडर 10, ठीक है, और यहाँ पे टेम्प इक्वल टू, अब टेम्प की वैल्यू टेम्प को टेम्प से टेम्प को 10 से डिवाइड करना है, टेम्प डिवाइड बाई 10, और यहाँ पे हमें लिखना है सम, देखिए सम को हमने वहाँ पे 0 रखा था, तो सम की वैल्यू होगी सम प्लस, अब देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पावर ऑफ, यहाँ पे आएगा आपका पावर ऑफ, आएगा आपका
रिमाइंडर, आर ई एम रिमाइंडर कॉमा काउंट। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और ये हमारा यहाँ पे लूप क्लोज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एंगस्ट्रॉम को रियली में चेक कर रहे हैं। देखिए हो क्या रहा है, मान लीजिए 153 यहाँ पे वैल्यू थी, सेम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं 153। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इसके वैल्यू को अलग अलग करना होगा, यानी कि 1 को अलग, 5 को अलग, 3 को अलग। तो उसको कैसे कर सकते हैं, रिमाइंडर के थ्रू। अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3। तो फर्स्ट टाइम हमें 3 मिलेगा। और यहाँ पे क्या आएगा, टेम्प की वैल्यू, टेम्प की वैल्यू 15 हो जाएगी, यानी कि अभी 153 थी, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 15 हो गई। और यहाँ पे सम की वैल्यू क्या आएगी, 0। मैं देखिए इसी में आपको एडिट कर रहा हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं कॉपी करनी है, आपको प्रोग्राम जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी के थ्रू करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करने में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिख देता हूँ। तो देखिए सम की शुरुआत में वैल्यू कितनी थी, 0। अब पावर ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया है, 3। और 3 की पावर कितनी होगी, काउंट, अकाउंट की वैल्यू कितनी आई थी हमें पता है, 3 की काउंट की वैल्यू आई थी, तो 3 की पावर 3। ठीक है, अगली बार में क्या होगा, सम की वैल्यू ये हो जाएगी प्लस है यहाँ पे। अगली बार में क्या होगा, फिर से ये लूप चलेगा। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 15 है हमारे पास टेम की वैल्यू, यहाँ पे टेम की वैल्यू 15 हो गई थी। अब 15 में 10 से डिवाइड, 10 का डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे तो अगली बार आएगा हमें 5, यानी कि देखिए 3 अभी आया था, अब अगली बार आएगा 5 और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ 15 से 1, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बचेगी 1। अब यहाँ पे क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस, तो सम क्या था, पुराना सम, पुराना सम क्या था, 3 की पावर 3 पुराना सम था, प्लस क्या होगा, प्लस होगा हमारा जो यहाँ पे नया सम है, यानी कि नई वैल्यू है, यानी कि 5 की पावर काउंट, काउंट क्या है, 3, तो 5 की पावर 3। अगली बार जाएगा तो अगली बार के लिए सम यू हो जाएगा, ये पूरा सम हो जाएगा, तो सम प्लस और पावर ऑफ रिमाइंडर। अब रिमाइंडर अगली बार में रिमाइंडर क्या आएगा, जब 10 से डिवाइड करेंगे 1 में, तो रिमाइंडर आएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि अब हमारे पास 1 आया, तो 1 की पावर 3। इस तरह से सम टोटल कितना हो जाएगा, 153। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, ये चीज़ आपको नहीं नोट करनी है, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको नोट नहीं करनी है, ये एक्सप्लेन करने के लिए है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ एक्स, या फिर हम लिख सकते हैं सम डबल इक्वल्स टू एक्स, यानी कि जो सम है, यानी कि 153 और शुरुआत में हमारे पास 153 दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न 1 इल्स रिटर्न 0। इस तरह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न 1 और रिटर्न 0, अगर ये सम और x बराबर है, यानी कि सम और x, जो x शुरुआत में वैल्यू थी और ये जो वैल्यू आई इसके पावर के बाद, वो दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो ये था हमारा मेन लॉजिक यहाँ पे, और इस फंक्शन में इसमें लॉजिक को लगा के हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो इसी प्रोग्राम के थ्रू हम लोग, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप सोर्स प्रोग्राम को फाइंड कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे एंड्रॉयड एप्लीकेशन सी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वहाँ से भी आपको इसका जो है डिटेल प्रोग्राम मिल जाएगा, लेकिन वो मैं नेक्स्ट अपडेट, आने वाले अपडेट में ही इसको इंक्लूड करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये प्रोग्राम अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इसको, ये प्रोग्राम सोर्स कोड तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दिया हूँ, फिर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करके बताऊँगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है, क्योंकि ये इस टाइप के प्रोग्राम आपको आने चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।